तो दोस्तों, खाना खाने के बाद हम लोग गए अटल सेतु। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही एक्साइटेड थे जैसे आप लोग हैं। और दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लेजर शो वहां पे दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, रोड्स तो मानिए कि ऐसा लग रहा था कि भाई साहब, हम इंडिया में नहीं, कहीं फॉरेन में घूम रहे हैं। दोस्तों, इतना जबरदस्त रोड। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का स्पीड। आपको मैं बता दूं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप गाड़ी भगा सकते हैं। और मैं सच्ची बोलूं तो एसी बंद करना, कांच नीचे लेना और आराम से जाना। और दोस्तों, मैं और मेरी बच्ची, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। और आगे हम कई जगहों पे रुकना चाहते थे, बट कहीं पे रुकने का जगह हमें नहीं मिल रहा था। बट हमें नहीं पता था कि आगे बहुत बड़ा सस्पेंस हमारा वेट कर रहा है। और दोस्तों, हम हमारी गाड़ी भगाते रहे भगाते रहे, फाइनली एक पॉइंट मिल गया। बट यहाँ पर भी पुलिस आ गए। फिर और आगे जाने के बाद हमने देखा, ओ भाई साहब, यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है, यहाँ पे तो बहुत सारी गाड़ियां रुकी थी। तो हमने डिसाइड किया कि अब तो रुकना ही रुकना है और फोटो लेना है। हालांकि हमें पता नहीं था कि ऐसा करना गलत बात है। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हो तो ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि पुलिस भाई साहब आपका फाइन, आपका जो चालान है वो कट सकता है। तो दोस्तों, हमारा भी चालान कटा है, तो आपका ना कटे, इसलिए ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अटल सेतु पे मत रुकिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारा भी ना कटा हो, अभी तक तो आया नहीं है। तो दोस्तों, फिर फाइनली हम लोग उलवे से बाहर निकल आ गए, क्योंकि हमें वाशी जाना था। तो उलवे से हम लोग बेलापुर की ओर जाने वाले थे। तो वाइफ ने बोला कि टोल तो लगा ही नहीं, तो ये लो, टोल भी आ गया। और दोस्तों, हमारा जो टोल कट हुआ वो है 200 रुपीज। हालांकि कहा जा रहा था कुछ 250 है, बट उलवे तक 200 ही टोल कट हुआ। और दोस्तों, फिर हम लोग हमारे घर की ओर चले गए।